दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही जबरदस्त बिजनेस आइडिया लाया हूं और इस बिजनेस आइडिया से आप महज 2,000 की मशीन से बड़े आराम से 1 लाख रुपया महीना बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। और दोस्तों, इससे कम में कोई भी आपको पूरे YouTube में कोई भी ऐसी मशीनें नहीं मिलेंगी जो कि इससे कम में बताए। मैं आप सभी के लिए बहुत ही कम पैसे में बिजनेस आइडिया लेकर आता हूँ जिसको आप बहुत ही कम पैसे में बिजनेस करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा लोगों के पास पैसे नहीं रहता और बेरोजगारी चरम सीमा पर चल रही है। और ऐसे में कुछ ही ऐसे बिजनेस हैं जिसको करके बहुत कम पैसे में अच्छा बिजनेस किया जा सकता है। दोस्तों, आज की मशीन है सीलिंग मशीन। सीलिंग मशीन से, सिर्फ 2,000 की मशीन से हम 500 तरह के प्रोडक्ट तैयार करके बहुत ही आसानी से कम 1 लाख रुपए महीने बड़े आसानी से कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात आती है कि हम इस सीलिंग मशीन से कौन कौन से और कैसे प्रोडक्ट तैयार करके बिजनेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस सीलिंग मशीन से आपका सारा काम हो जाएगा, पैकिंग हो जाएगी, और जो पन्नी आती है बाहर की वो मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाती है। तो इस पन्नी में आइटम भर के, आप प्रोडक्ट भर के और इससे लॉक कर सकते हैं, मतलब सील कर सकते हैं और पैक कर सकते हैं, जिससे कि ऐसा लगेगा कि ये ब्रांडेड आइटम है। और पन्नियाँ मार्केट में तरह तरह की आती हैं। आप चाहें तो प्रिंटेड पन्नी का यूज कर सकते हैं, या चाहें तो सिल्वर पन्नी का यूज कर सकते हैं, या चाहें तो नॉर्मल पन्नी का भी यूज कर सकते हैं जो ट्रांसपेरेंट होती है। तो दोस्तों, इस बिजनेस से हम कौन कौन से, इस मशीन से हम कौन कौन से प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस मशीन से आप काजू, खुली काजू ले आएँ और खुली काजू को पैकेट में डाल के और इस सीलिंग मशीन से पैक करके और मार्केट में बेचें, तो इससे आपको 200 से 300 रुपये किलो पर किलो का बेनिफिट मिलता है। इसी तरह बादाम में भी आप खुले बादाम ले आएँ और उसके बाद उसको पैकिंग में, अच्छी पन्नी में पैक करके अगर देते हैं, तो इसमें भी कम से कम 200 से 300 रुपया पर किलो का बेनिफिट होता है। इसमें आपको और ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ 25 से 30 पैसे की एकमात्र पन्नी लगेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 50 पैसे, 1 रुपया समझ लीजिए। और उसके बाद इसी तरह आप मूंगफली को मार्केट से ला के और घर में इसे पैकिंग कर सकते हैं। सबसे बड़ी आसानी बात यह है कि बहुत ही छोटी मशीन है, बहुत ही छोटे कमरे में, और कोई भी इंसान इस मशीन से अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि इस मशीन को इतना नॉर्मली चला सकता है कि इसको चलाने के लिए कोई भी टेक्निकल की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह दोस्तों, काजू हो गया, बादाम हो गया, मूंगफली हो गई, साबूदाना हो गया, गेहूं, आजकल प्योर गेहूं पन्नी में पैक करके अच्छा बिकता है। और आप चक्की से आटा पिसवा लें और आटे को अपने पन्नी में पैक करके भी अपना ब्रांड नेम बनाकर मार्केट में बेच सकते हैं। फिर चावल हो गया, चावल तो बहुत महंगे बिकते हैं, और अगर आप उसको पन्नी में, नॉर्मल चावल आपको 25 से 30 रुपये मिल जाएंगे, लेकिन वही चावल अगर पन्नी में आप पैक कर देते हैं तो उसका रेट 40 से 50 रुपया पर किलो हो जाता है। अब आप इससे समझ सकते हैं, क्योंकि लोग पसंद करते हैं कि उन्हें पैकिंग वाला सामान मिले जिससे इससे सेफ्टी रहती है। ये बात का जरूर आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी आइटम पैक करिएगा, कोई भी प्रोडक्ट बनाइएगा, तो बड़ी सावधानी से और साफ रहे, क्लीन रहे, जिससे कि आपके कस्टमर हमेशा आपके नाम से प्रोडक्ट मांगे और ले जाएं। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताया, काजू, बादाम, मूंगफली, साबूदाना हो गया, गेहूं हो गया, आटा, चावल, हल्दी हो गई, हल्दी को भी पैक करके आप दे सकते हैं, जीरा, धनिया, इलायची, चाय पत्ती, मूंग दाल, चना, मटर, मेथी, सरसों, शक्कर और भी इसी तरह की सभी तरह की दालें भी पैक करके आप मार्केट में कर सकते हैं। सूजी पैक करके, रवा पैक करके आप इसे अपना ब्रांड बनाकर दे सकते हैं। बाजार से सिंपल ले आएँ, सिर्फ पैकिंग कर दें और इसका रेट 1.5 गुना से 2 गुना तक ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आप क्वालिटी जरूर दें। पैकिंग में खराब पैकिंग नहीं करें, अच्छी पैकिंग करें जो शानदार, आकर्षक दिखती हो और सुंदर दिखती हो, जिसे लेने के पहले आदमी उस प्रोडक्ट को देखकर ऐसा लगे कि हाँ, ये क्वालिटी वाला प्रोडक्ट होगा। इसी तरह बड़ी बड़ी कंपनियां करके और लाख नहीं 10-10 लाख रुपए महीने कमाती हैं सिर्फ इसी तरह करके। और आप चाहें तो ऑटोमेटिक मशीन भी ले सकते हैं, पर अगर आपके पास पैसा नहीं तो वही काम आप 2,000 की मशीन लेकर कर सकते हैं, और वही ऑटोमेटिक मशीन आपकी 25,000-20,000 की आएगी, 17-18 हज़ार से स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों, इसके बाद आप
इसमें सूजी, आटा, दलिया, सत्तू और भी तरह तरह के, 500 नहीं 100 तरह के आइटम आप पैक करके और मार्केट में देकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अच्छा, आपको अगर इसकी जानकारी लेनी है या आपको इसके बारे में चेक करना है तो आप ये कर सकते हैं कि आप बाजार में जाइए और उसके बाद खुली काजू मांगिए और उसके बाद पैकिंग वाली काजू मांगिए, तो आपको फर्क समझ में आ जाएगा। या मूंगफली आप मांगिए तो आप खुली मूंगफली मांगिए और पैकेट वाली मांगिए, तो इसमें भी फर्क आपको समझ में आ जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि कितना मुनाफा है। आप चना मांगिए, कोई भी आइटम मांगिए, मटर मांगिए, मेथी मांगिए, सरसों, शक्कर या कि हल्दी आप मांगिए, तो खुली हल्दी आपको बहुत कम रेट में मिलेगी और वही पैकिंग वाली हल्दी आपको ज्यादा रेट में मिलेगी। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया है जिसके माध्यम से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, वो भी बहुत कम इन्वेस्टमेंट में। मैं ऐसे बहुत तरह के बिजनेस आपके लिए ढूंढ कर लाता हूँ जिसको कि बहुत कम पैसे में आप स्टार्ट करें और अधिक से अधिक पैसा कमा सकें, क्योंकि आप तभी पैसा कमाएंगे अगर शुरू से ही आप ज्यादा पैसा लगा देंगे, तो फिर बाद में कमाने में आपको तकलीफ होगी, या कि क्या पता बिजनेस उतना ज्यादा आपका, जिस हिसाब से आप 20 लाख 25 लाख फंसाए हैं, तो क्या पता आप उतना बेहतर काम हो पाता है कि नहीं हो पाता है। लेकिन 2,000 रुपये बहुत ही मिनिमम अमाउंट है, कुछ भी आप लेंगे तो 1,000 2,000 से नीचे मशीन मिल ही नहीं सकती है। और आप महज 2,000 रुपये लगाकर और कई तरह की पन्नी मार्केट में बनवा कर, या अगर आप चाहते हैं अपना ब्रांड नेम बनवाना, तो इससे आप अपने नाम का पन्नी छपवा लें, इससे ये भी लगेगा कि ये कंपनी आपकी है। और फूड आइटम अगर आपको बनवाना है तो फूड आइटम के लिए आप FSSAI का लाइसेंस ले लीजिए, इसे फसाई का कहते हैं। 1 साल की 500 रुपये उसमें फीस लगती है, 5 साल की समथिंग 1,500 या 2,000 में हो जाता है 5 साल का रजिस्ट्रेशन, 5 साल बाद फिर रिन्यू कराना पड़ता है। तो इससे एक स्टैंडर्ड भी हो जाता है और गवर्नमेंट भी हमारी कहती है कोई भी फूड आइटम लेते हैं तो आप FSSAI का फसाई का लाइसेंस रखना जरूरी होता है, तो इसमें ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। आप शुरुआत कर सकते हैं, उसके बाद ही करवा सकते हैं, क्योंकि बहुत कम पैसे में आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं और अपना खुद का ब्रांड भी बना सकते हैं। आप अपने नाम की पन्नी छिपा कर सारे आइटम अपने नाम से देना स्टार्ट कर देंगे, तो वो प्रोडक्ट जो जाएगा वो मार्केट में आपका नाम होगा कि ये मेरे नाम के प्रोडक्ट हैं। और अगर आप क्वालिटी बेहतर देंगे तो 100 बार आपके पास कस्टमर आएंगे, और जो भी कस्टमर अगर ले जाएगा उसको क्वालिटी पसंद आएगी, उसमें अच्छी क्वालिटी अगर आप देंगे तो वो कस्टमर बार बार आएगा और दुकानदार से मांगेगा, और फिर रिटेल से आपकी मजबूरी होगी कि वो आपसे 100 बार फोन करके और आपके प्रोडक्ट मंगाएगा, और मार्केट में धीरे धीरे आपकी अच्छी जबरदस्त पकड़ बन जाएगी। और ये छोटे स्तर से ही काम करिए, और जब आपका अच्छा चलने लगे तो उसके बाद जब आपको लगे कि यहाँ यार मेरा इस छोटी मशीन में काम नहीं हो पा रहा, 2 लाख 4 लाख की सेल निकल आ रही है, तब आप बड़ी वाली ऑटोमेटिक सीलिंग मशीन ले सकते हैं। इसके पहले मेरी जो सलाह है आपको, मेरी यही राय है कि आप 2,000 की मशीन लीजिए और 1,000 रुपये तरह तरह की पन्नी आप बन जाएंगी, 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपये, बहुत हाई क्वालिटी की पन्नी मिल जाती हैं। उनमें पैकिंग करके आप पहले मार्केट में काम करें, मार्केट में सर्च करें और मार्केट में सीखें। जब आप जाएंगे मार्केट में तो आपको बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें पता चलेगी और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। और जो बंदा मार्केटिंग अगर कर लेता है तो दुनिया का कोई भी काम कर सकता है, और मार्केटिंग करना बहुत ही आसान है। लोग इसे मानते हैं कि ये कठिन है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, मार्केटिंग करना बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको दुकानदार से जाना है, दुकानदार से आपको प्यार से बात करना है, प्रेम से, और दुकानदार बड़े आराम से ले लेते हैं, क्योंकि किसी न किसी से, कहीं ना कहीं से तो उनको लेना ही है प्रोडक्ट, तो आपसे ही ले लेते हैं। लेकिन सभ्यता होनी चाहिए और सम्मान होना चाहिए। जब आप दुकानदार का सम्मान करेंगे, कोई भी रिटेल शॉप का सम्मान करेंगे, तो आपका भी सम्मान करेगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही जबरदस्त बिजनेस आइडिया है, मुझे नहीं लगता कि इससे कम पैसे में और इससे अच्छा कोई बिजनेस आइडिया आपको मिल सकता है, क्योंकि 1-2 हजार की मशीन से आप 100 तरह के बिजनेस कर सकते हैं और बहुत ही कम पैसे में। तो दोस्तों, अगर आपको और भी कोई जानकारी लेना है इस मशीन के बारे में या इस बिजनेस के बारे में, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि सबसे, जब भी मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले वो आपके पास पहुंचे। और लाइक करिए, लाइक करके हमारे मोटिवेशन को आप और ग्रो अप करवाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।